मतलब शराब की ना, मतलब ब्लैक में वो कर रहे थे, इसी मारे उनको गिरफ्तार किया गया। सही किया गया, सही करा गया। एक के साथ एक पेटी फ्री थी, इसी मारे। पीने वालों के मजे थे, जो नहीं पीते थे उनके मजे नहीं थे। घर में जाके लड़ाई करते थे, घर में जाके फिर वो लड़ाई करते थे दारू पी के। उनमें लिखा जा रहा है मनीष चाचा को छोड़ देना चाहिए, आपने लिखा कि मनीष चाचा को? नहीं, हम नहीं लिखे। अरे गलत काम करा तो हम क्यों कहेंगे? ब्लैक में दारू बेच रहे, हम क्यों कहेंगे? हम क्यों बचा किसी को? वो पहले का टाइम था, अब का टाइम नहीं है। वो पहले जब शुरू में आए थे तभी ईमानदारी का जोश चढ़ा था, बाकी जब बाद में इतना सारा पैसा दिखा ना, सबकी ईमानदारी चली गई, सबकी। अब कोई नहीं है ईमानदार, अब कोई नहीं है, सब अपने घर परिवार के चक्कर में पड़ गए। नमस्कार, मैं हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है, लगातार उन पर कार्रवाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को लेकर ढिंडोरा पीट रही है कि उनके जैसा ईमानदार नेता आज तक नहीं हुआ है, उस पर आज हम जांच पड़ताल करने आए हैं। जिस स्कूल की बात लगातार मनीष सिसोदिया हमेशा करते आए हैं, आज मैं उसी स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ के बच्चों से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार बच्चे क्या सोचते हैं मनीष सिसोदिया के बारे में। और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है मनीष सिसोदिया को छोड़ने के लिए, मनीष सिसोदिया को मनीष चाचा बताया जा रहा है कि बच्चे मांग कर रहे हैं, बच्चे समर्थन चाहते हैं, समर्थन कर रहे हैं मनीष सिसोदिया का कि मनीष सिसोदिया को जेल से छोड़ा जाए, तो उस पर हम बातचीत करते हैं। ये मेरे पीछे वही स्कूल है जो मनीष सिसोदिया पूरे चुनाव में पूरे लगातार हर जगह जाकर इसी स्कूल का ढिंढोरा पीटते हैं कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में विकास किया है और शिक्षा में सुधार किया है। तो शिक्षा में सुधार को लेकर, बच्चों को लेकर, जो बच्चे को कहा जा रहा है कि बच्चे चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल से छूटें, उस पर हम बातचीत करेंगे। इस पड़पड़गंज विधानसभा में मैं आज मौजूद हूँ और बच्चों से जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार वो मनीष सिसोदिया के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ईमानदारी के बारे में क्या सोचते हैं। और जो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी वाले जलते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, मोदी को लेकर बच्चे क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। बताइए आपके स्कूल का क्या नाम है? आरएसबीवी विश्वविद्यालय नगर दिल्ली 92। राज के सर्वोदय बाल विद्यालय। पढ़ाई होती है स्कूल में? यस। मनीष सिसोदिया कौन? मनीष सिसोदिया उप शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री थे? हाँ। अब नहीं है। हाँ। पता है उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? तो शराब ऐसी कुछ था सर। क्यों किया गया? क्योंकि वो मतलब शराब की ना, मतलब ब्लैक में वो कर रहे थे, इसी मारे। अच्छा, उनको गिरफ्तार किया गया? सही किया गया? सही करा गया। क्यों सही किया गया? क्योंकि वो ब्लैक में दारू बेच रहे थे। सही किया गया, 50% गलत किया गया। 50% सही क्या किया गया? क्यों हमारे स्कूल के लिए उन्होंने इतना कुछ करा है, और 50% इसलिए क्योंकि उन्हें शराब वराब बेची है, इसलिए शराब घोटाला हुआ है। हाँ। दारू फ्री की बात चल रही थी दिल्ली में, एक पे दारू एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। हाँ। अच्छा, वो सही था गलत था? वो सही था। गलत क्यों था? जो पीने के चक्कर में फिर एक फ्री और ले रहे थे कि फिर वो और भर रहे थे वो अपने घर में। एक के साथ एक पेटी फ्री थी, इसी मारे। पीने वालों के मजे थे, जो नहीं पीते थे उनके मजे नहीं थे। घर में जाके लड़ाई करते थे, घर में जाके फिर वो लड़ाई करते थे दारू पी के। इसलिए अगर वो, इसलिए आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया को सही गिरफ्तार किया गया? यस। आप समर्थन करते हैं? यस। लेकिन कह रहे हैं कि बच्चे तो परेशान हैं, बच्चे तो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं, किसको छोड़ा जाएगा? इतना गलत काम किया, क्यों छोड़े उसको? इतना गलत काम किया? दारू बेच रहे हैं। क्या गलत किया है? वो तो कह रहे हैं कि ईमानदार है मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी ईमानदार नहीं, कहां का ईमानदार है? अच्छा, ईमानदारी की बात होती है कि ईमानदार है केजरीवाल जी की पार्टी, ईमानदार है मनीष सिसोदिया, आपको नहीं लगता कि वो ईमानदार है? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। सिसोदिया सही नहीं है, केजरीवाल सही है, मनीष सिसोदिया गलत है। हाँ। लेकिन सब कहते हैं कि बच्चे उनके लिए परेशान है, वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया परेशान नहीं है। कोई परेशान बच्चा परेशान नहीं, कोई परेशान सही नहीं है। स्कूल में लिखा जा रहा है मनीष चाचा को छोड़ देना चाहिए, आपने लिखा कि मनीष चाचा को? नहीं, हम नहीं लिखे। अरे गलत काम करा तो हम क्यों कहेंगे? ब्लैक में दारू बेच रहे, हम क्यों कहेंगे? हम क्यों बचाए किसी को?
अच्छा आप नहीं बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। आपने नहीं लिखा कॉपी? नहीं लिखा। वो गलत काम कर रहे हैं इसलिए सही पकड़ा गया उन्हें पुलिस ने। अच्छा आपने क्यों नहीं लिखा कॉपी पे? वो तो कह रहे हैं मनीष चाचा अच्छे हैं, मनीष चाचा ने शिक्षा सुधार दी है। आपने क्यों नहीं लिखा? आप नहीं चाहते मनीष जी छूट के? नहीं हम नहीं चाहते। आप भी चाहते हैं मनीष जी छूट के आए जेल? नहीं नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो ब्लैक में दारू बेचते हैं। दारू बेचते हैं? अच्छा ये क्या 46 करोड़ का घोटाला? घोटाला भी कराया उन्होंने? खबर कहाँ से आई आपको कि घोटाला कराया उन्होंने? न्यूज़ में से। न्यूज़ से? अच्छा आपको पता चलता है क्या अच्छा हो रहा है क्या गलत हो रहा है आपको? हाँ पता चलता है। अच्छा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया ये अच्छा किया गया गलत किया गया? अच्छा किया गया क्योंकि उसने अच्छा किया गया। अच्छा किया गया? हाँ। फिर आपकी पढ़ाई नुकसान हो जाएगा आपकी पढ़ाई का? वो थोड़ी ना पढ़ा रहे सर पर आ रहे पढ़ा रही है सब तुम लोग दे रहे हो ना। पर बच्चे कह रहे हैं कि वो हमारे चाचा हैं। आप मानते हैं चाचा हैं आप? हम नहीं मानते चाचा। शराब बेचते हैं वो बिना मतलब ब्लैक में। हाँ शराब बेचते हैं ब्लैक में? हाँ। क्या नाम हो गया तुम्हारा? अंकित कुमार। अच्छा इसी स्कूल में पढ़ते हैं राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय? हाँ बाल विद्यालय हम लड़के हैं। अच्छा वो आगे है? बाल दोनों है। तो इसमें पढ़ाई होती है बढ़िया? हाँ बहुत बढ़िया होती है पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन घोटाले को लेकर जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया वो आपको भी पता है? यस। उन्होंने गलत किया दिल्ली में शराब को लेकर जो नीति लागू हुई एक पे एक फ्री वाली जो स्कीम लागू हुई उसका आप भी विरोध करते हैं? यस। हाँ। चाचा मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाचा नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। कई सारी वीडियो वायरल हो रही है बच्चे लिख रहे हैं कि मनीष जी हमारे चाचा है। आपके भी चाचा लगते हैं? नहीं नहीं मानते नहीं उनको। हमारे स्कूल में तो किसी ने नहीं लिखा आज तक। अच्छा इस स्कूल में आपसे नहीं लिखवाया गया? बिल्कुल नहीं। आपसे नहीं लिखवाया गया कि मनीष जी आपके चाचा? नहीं 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 नहीं। अच्छा ये बताइए देश के प्रधानमंत्री को? मनीष दास मोदी। श्री नरेंद्र दास। अच्छा वो कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा वो अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। एक एक करके एक मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मनीष जी ने गलत किया? यस। केजरीवाल गलत कर रहे हैं। केजरीवाल गलत मनीष जी गलत कर रहे हैं मतलब दारू बेच रहे हैं? यस यस अंकल मनीष जी गलत कर रहे हैं दारू बेच रहे हो। हाँ तो दारू नहीं बेचना चाहिए। हाँ जो पीने वाले होते हैं वो बिगड़ जाते दारू पी के। नाली वाले पड़े होते हैं फिर वो। हाँ अच्छा, अच्छा। नाली में पड़े यस यस। आप नहीं चाहते वो दारू बेचे? हाँ हाँ चाहते हैं वो छूट के आए जेल से? नहीं। अच्छा ये बताइए क्यों नहीं चाहते वो जेल से? वो दारू बेचते थे। अच्छा दारू बेच रहे थे इसलिए? हाँ घोटाला कर ईमानदारी क्या घोटाला कर रहे थे शराब में घोटाला कर रहे थे वो घोटाला कर रहे थे इसलिए आप नहीं चाहते वो छूट के आए। लेकिन वो जिस तरीके की पूरी राजनीति हो रही वो कह रहे हैं ईमानदार नेता को फंसाया गया है तो ईमानदारी दिखी है क्या उनकी कहीं आपको? नहीं की। ईमानदार नहीं है? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास? सेवंथ की। सेवंथ सब सातवीं क्लास के बच्चे? सेवंथ एट्थ और सेवंथ नाइन्थ। हाँ मनीष सिसोदिया कौन? मनीष सिसोदिया यहाँ के शिक्षा मंत्री थे। हाँ। अब नहीं है। अब नहीं है। हाँ उनको जो सीएमपी के बाद उनको गिरफ्तार किया गया सही किया गया गलत किया गया? सही किया गया। क्यों सही? क्योंकि एक के साथ एक मुफ्त दारू बांटी गई थी। हाँ और घोटाला भी किया था। तो घोटाला भी किया? हाँ उनको जो गिरफ्तार किया गया वो सही सही किया गया। आप बड़े खुश हैं उनको गिरफ्तार? खुश नहीं हम। इधर आइए बात करिए। अच्छा आप कौन सी क्लास? मैं नाइन्थ क्लास में। अच्छा आपको इतनी समझ है कि क्या ईमानदारी कौन ईमानदारी से काम कर रहा है कौन बेईमानी से काम कर रहा है इतनी समझ है आप? समझ है ईमानदारी। अच्छा नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे? बढ़िया बढ़िया बेस्ट कर रहे नरेंद्र मोदी से ईमानदार आदमी पैदा नहीं हुआ अभी भारत में। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा ना आने वाले 20 साल में ना पहले मिला था ना आज के बाद मिलेगा। अरे भाई रुक जाइए बात करने दीजिए आगे आइए। अच्छा आप कह रहे हैं एक मिनट हल्ला नहीं।
अच्छा आपको लगता है मोदी जी ईमानदारी से काम? बहुत ईमानदारी से। अच्छा केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रही? देखिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो पहले अच्छे थे, हमारा इतना बढ़िया स्कूल बना रखा है, पर बाद में 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा उन्हें। वो गिरफ्तार हो गए, अच्छा हुआ, पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करा। ये देख लीजिए, हाँ काम किया है लेकिन घोटाले को बख्शा नहीं, माफ नहीं किया जाएगा, घोटाले माफ नहीं करेंगे आप? नहीं। तो ये बच्चे समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, दिल्ली के लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, आप समझते हैं इस बात? हाँ। देश के लिए कौन सही है? देश के लिए ऑलवेज बीजेपी सही है, बीजेपी जी सही है। हाँ मोदी जी सही है। केजरीवाल जी को लेकर जो ईमानदारी की बात होती है, कट्टर ईमानदारी की बात होती है, तो वो ईमानदारी नजर आती है क्या उनमें? वो पहले का टाइम था, अब का टाइम नहीं है। वो पहले जब शुरू में आए थे तभी ईमानदारी का जोश चढ़ा था, बाकी जब बाद में इतना सारा पैसा दिखा ना सबकी ईमानदारी चली गई, सबकी, अब कोई नहीं है ईमानदार, अब कोई नहीं है, सब अपने घर परिवार के चक्कर में पड़ गए। लेकिन लगातार बात तो यही होती है कि केजरीवाल जी ईमानदारी से काम करते हैं, मनीष सिसोदिया जो अभी इस समय गिरफ्तार हुए हैं उनकी ईमानदारी पर कहा जाता है कि उन जैसा ईमानदार नेता कोई आया नहीं, उन जैसा ईमानदार शिक्षा नेता कोई नहीं आया, पर उनके पास अदर जो 19 डिपार्टमेंट थे उसकी मुझे नहीं लगा इतने अच्छे से उन्होंने संभाला, पर हाँ शिक्षा मंत्री वो अच्छे थे हमारे, उन्होंने इतने बढ़िया स्कूल बनवाए, पर फिर भी 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला माफ नहीं किया जाएगा किसी के लिए भी, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसी के लिए माफ नहीं किया जाएगा। घोटाला के लिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। कहते उनको छोड़ देना चाहिए, स्कूल में लिखा जा रहा है कि मनीष चाचा हमारे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, मनीष चाचा को जेल से छोड़ना चाहिए, आपने भी लिखा क्या मनीष चाचा के लिए? नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा। चाचा नहीं मानते उनको? चाचा क्या, हम उन्हें बस अपना शिक्षा मंत्री मानते हैं, मानते थे। अब जो उनके समर्थन में जो स्कूलों में लिखा जा रहा है, बच्चे उनके समर्थन में आ रहे हैं, अगर मैं आप सबसे पूछूं तो क्या आप मनीष सिसोदिया जी का समर्थन करते हैं? हाँ या नहीं करते? तो ये बच्चे वो हैं जिस स्कूल की चर्चा होती है, मनीष सिसोदिया ने अच्छा बनाया है, कह रहे हैं कि ठीक है स्कूल अच्छा बनाया है, लेकिन जो घोटाला उन्होंने किया उसका ये समर्थन नहीं करते, और जो स्कूलों में एक आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दिखाया जा रहा है, लिखा जा रहा है कि मनीष चाचा को छोड़ देना चाहिए, मनीष चाचा के समर्थन में बच्चे हैं, बच्चे चाहते हैं कि उनको जेल से छोड़ना चाहिए, उनकी शिक्षा खराब हो जाएगी, लेकिन इतने सारे बच्चे हैं, लगभग 25-30 बच्चे इस समय मेरे सामने खड़े हैं, एक बार स्कूल ये दिखा दीजिए। इस स्कूल की तारीफ हमेशा होती रही है, मनीष सिसोदिया लगातार इस स्कूल का ढिंढोरा पीटते रहे, उसी स्कूल के मैं बाहर खड़ा हूँ और उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज कह रहे हैं कि जो उन्होंने घोटाला किया उसका समर्थन वो कतई नहीं करते, वो नहीं चाहते कि घोटाला, इतना बड़ा घोटाला करने वालों को छोड़ा जाए। तो ये 9th क्लास में है, कोई 8th क्लास में है, कोई 7th क्लास में है। अच्छा आपको क्या सही है क्या गलत है ये सब आपको पता है? कहाँ से खबरें मिलती हैं ये सब? न्यूज़ देखते हैं? हाँ खबरें मतलब देखते रहते हैं सर, अखबार पढ़ते हैं? अखबार। सौदे के बारे में कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप? 2 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं। ईमानदारी की बात करें, नरेंद्र मोदी हैं, इधर केजरीवाल जी की पार्टी है, कौन सा ईमानदार नेता आपको? नरेंद्र मोदी, योगी बाबा, नरेंद्र मोदी। ये कह रहे योगी क्यों? उन्होंने बहुत अच्छा करा है, यूपी के लिए। आपको कैसे पता योगी जी ने उत्तर प्रदेश को सुधार दिया? बहुत बदलाव आए हैं, गुंडागर्दी कम हो गई है। चाहते हैं कि यहाँ पर भी योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री आए? चाहते हैं। योगी जी का समर्थन आप करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। केजरीवाल जी का भी करते हैं? थोड़ा बहुत करते हैं। शिक्षा मंत्री जो आपके रहे हैं, जो शराब घोटाले में जेल में गए हैं, उनका समर्थन करते हैं आप? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी का समर्थन नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करते उनका समर्थन? उन्होंने घपला करा है। क्लास टीचर आ रहे हैं,